हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी बैठे बैठे जब सडनली सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, तो पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये सारी ना की चेन है, सब की चेन है ये। और आप देख रहे होंगे कि इसकी हालत कैसी हो रखी है, मतलब बिल्कुल ही। एक्चुअली क्या ना, अभी कुछ देर पहले अभी एक कस्टमर आए थे, तो वो की चेन लेने ही आए थे। वो चार की चेन के चक्कर में ना पूरी की पूरी बास्केट की हालत बेकार कर दी है। तो सोचा चलो इस बास्केट को फिर से सजाती हूँ मैं तरीके से, एक एक करके किचन लगाती हूँ, तो लगे हाथ वीडियो भी बना लूँगी। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी किचन है, और दिखाती हूँ चलो। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे बास्केट का जितना भी किचन है ना, मैं नीचे डाल देती हूँ। तो उसके बाद लगे हाथ डस्टिंग भी हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि डस्ट तो आई जाती है चीज़ों के ऊपर। तो चलो, फिर सफाई भी हो जाएगी और उनको तरीके से दोबारा से लगाना भी हो जाएगा। तो मैं कपड़ा ले लेती हूँ। तो हमने इस बास्केट में लगा के रखा था सारा किचन तरीके से। और ये बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये ना वो है, क्या कहते हैं इसे, चॉपिंग बोर्ड। तो ये फोल्डेबल है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से फोल्डेबल वाला ये बास्केट है। तो ये जब उसको फोल्ड कर देंगे ना, तो ये इस तरीके से ये आपका चॉपिंग बोर्ड बन जाएगा। ये चॉपिंग बोर्ड बन जाएगा, आप इस पर चॉपिंग कर सकते हैं अच्छे से। और इसको अगर खोल देंगे इस तरीके से, तो ये आपका बन जाएगा बास्केट बन जाएगा। यानी आपने जो भी सब्जी वगैरह आपने चॉप किया होगा, वो आप इसमें अच्छे से वॉश करके यहाँ से पानी इसका ड्रेन कर सकते हैं। तो ये बास्केट ना एक्चुअली ख़राब हो गई थी हमारी शॉप पे रखे, ये बास्केट ख़राब हो गई थी, तो इसको हमने यूज़ कर लिया किचन रखने में। वैसे हम इसको सेल करते हैं, हमारे पास फ्रेश पीस पड़ा है, इसका फ्रेश पीस रखे हुए हमारे पास। अगर कभी आपको अगर ख़रीदना हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड के लिए भी, फोल्डेबल बास्केट के लिए। तो ये एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने बना दिया है किचन बास्केट, फिलहाल के लिए किचन बास्केट बना दिया है। तो चलिए इसको ना मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गंदा तो हो ही गया है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी सफाई कर लूँगी इसकी। तो चलिए, इस बहाने कम से कम सफाई तो हो रही है, नहीं तो ऐसे ही रखा रहता। अब कस्टमर आते हैं, वो लोग तो एक चीज़ लेके जाएंगे भले ही, लेकिन वो पूरा का पूरा, मतलब कहते हैं ना, उधेड़ देते हैं चीज़ों को। तो कोई नहीं, उनका काम है उधेड़ना, हमारा काम है समेटना। तो बस अब वही काम कर रही हूँ, समेटने का। तो यहाँ पे ये बास्केट मैंने साफ़ कर लिया है। अब इस बास्केट को देखिए मैं किस तरीके से सजा सजा करती हूँ। तो मेरे पास कौन कौन सी किचन है ना, मैं आपको वो भी दिखाती रहूँगी कि किचन मेरे पास कौन कौन सी है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये जितनी भी सारी किचन है ना, अभी मैं इनमें भी पहले कपड़ा लगाऊंगी, थोड़ा सा कपड़ा मारूंगी सब में, क्योंकि सब में डस्ट हो रही है। और इसके बाद इस बास्केट में मैं सजा सजा के रखूंगी। तो मैं किस तरीके से इसमें लगाऊंगी ना, आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने कैसे लगाया, अच्छा लगाया नहीं लगाया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी आप मेरे हाथ में जो किचन देख रहे हैं, इसे कहते हैं कैप्टन अमेरिका शील्ड। और ये अच्छे से स्पिन करता है, ये बहुत अच्छा स्पिन करता है। मैंने अभी इसको खोल के नहीं दिखाया है, क्योंकि ये पैकेट में पैक है ये अच्छे से। तो मैं ना अब सारे किचन के ना एक काम करती हूँ, सबका पहले बंच बना लेती हूँ, क्योंकि बंच बना के रख लूँगी और बाद में से बास्केट में लगाना बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। इसके बाद आप दूसरा ये किचन देख रहे हैं, स्पाइडर वाला किचन है ये। सो इसका भी मैं बंच बना लूँगी। और इसके बाद जो आपको किचन दिखाने जा रही हूँ ना, ये है हल्क। मतलब कैसे कैसे कैरेक्टर के नाम है ना, मुझे खुद नहीं पता थे। तो अब सेल करती हूँ तो धीरे धीरे इनके नाम पता चल गया है मुझे। और ये है थॉर का एक्स, थॉर का हैमर, तो ये सब थॉर के मिल जाएंगे आपको इस तरीके से। तो ये भी मैंने इनका बंच बना लिया है। तो और इसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ, ये भी एक कार्टून कैरेक्टर है। एक्चुअली मुझे इसका नाम नहीं मालूम कि इसे क्या कहते हैं, अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कार्टून कैरेक्टर का क्या नाम है। और ये एक और कार्टून कैरेक्टर है, इसको कहते हैं स्क्विड गेम, कार्टून कैरेक्टर है ये भी। तो सही बताया ना मैंने, अगर सही बताया हो ना मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरे सारे बंच धीरे धीरे रेडी कर लिए हैं मैंने। और ये हॉर्स राइडर, तो ये भी बहुत अच्छी की चेन है, तो इसका भी मैं अलग से बंच बना लूँगी। और ये भी की चेन है, मतलब मेरे पास तो बहुत तरीके के वैरायटी की चेन की मिल जाएंगी। तो बस आज मैंने सोचा चलो की चेन की ही वीडियो बना लेती हूँ, कि बहुत सारी की चेन है मेरे पास तरीके के, अलग अलग तरीके की, आप देख ही सकते हैं। ये भी की चेन है गन में, और इस तरीके से मतलब चलती नहीं है इसमें, आपको ये पटाखा वगैरह नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ एक टॉय है ये एक तरीके से। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपका ये की चेन हो जाएगा ये भी। और
ये भी बहुत क्यूट सा की चेन है, कार्टून कैरेक्टर है, इसको भी क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं मालूम, तो अगर नाम पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो बस यहाँ पे मैंने सारे की चेन के जो है बंच बना बना के रख लिए हैं, जिसे कि बास्केट में लगाना मेरे को बहुत ईजी हो जाएगा। और ये भी एक और की चेन है, इसका भी मुझे नाम नहीं मालूम, तो अगर आपको इसका भी नाम पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसको भी क्या कहते हैं। तो चलिए अब मैं सारे जो कीचेन हैं इनको मैं बास्केट में अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। कैसे इनको तरीके से लगाऊंगी आप देखिए। तो इनको मैं सबको जो है इस तरीके से खड़े करके रखूँगी, ताकि कोई भी कस्टमर अगर इसको अगर देखे या फिर कुछ भी अगर कोई लेने आता है तो मुझे सारा उनको ऐसे निकाल के देना ना पड़े, वो ऐसे ही हाथों से एक एक करके देख सकते हैं। तो इनको इसलिए मैंने स्टैंड अप पोजीशन में इनको मैंने रखा है। तो और बस क्योंकि मैंने पहले ही इनके बंच बना लिए थे ना, तो मुझे अब इजी हो गया है इनको लगाना। बस सारे बंच एक बार उठाती हूँ और उनको इस तरीके से स्टैंड अप पोजीशन में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरी बास्केट जो है वो तैयार कर लूँगी। और इसी बहाने मेरी बास्केट की जो है वो डस्टिंग भी हो गई है, और की चेन की उसकी भी डस्टिंग हो गई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये सारी की चेन, और अगर आपको इनमें से कुछ भी अगर आपको अगर ख़रीदना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, और मैं आपको इसका प्राइस वगैरह भी बता दूँगी। तो अगर आप DM करना चाहें तो आप DM कर सकते हैं मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जो बास्केट थी वो उसको मैंने अच्छे से अरेंज कर ली है सारी बास्केट, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि बास्केट मेरी किस तरीके से रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बास्केट में अच्छी तरीके से सारे की चेन मैंने अरेंज कर दी है, और आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कस्टमर जो है इजीली इसको देख भी सकता है, उनको जो भी की चेन चाहिए होगा वो इजीली इसमें से निकाल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बस तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने ये बास्केट फिर से तैयार कर दी है इस तरीके से, कैसा मैंने इसको अरेंज किया है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।